Assalamualaikum. Welcome back to another new vlog. तो भाई अभी हम जा रहे हैं छत पर. यहाँ पर एक ट्रेडिशन है क्योंकि ओपन हाउसेस हैं और अभी काम का भी टाइम है, तो ऊपर घूमने का भी दिल चाह रहा है. खैर कोई कुछ बोलेगा नहीं हमें, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे पर्दे वारो पर्दा कयो, पर्दे वारो पर्दा कयो, पर्दे वारो पर्दा कयो. बेसिकली ये हम सिंधी में बोलते हैं, इसका मतलब है जो पर्दा करता है वो पर्दा करो. अभी हम ऊपर चल रहे, चले आओ चलते हैं. तो ये देख सकते हैं आप हमारी छत, इस तरह का व्यू आता है हमारी छत से. बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं सामने की तरफ कितने खेत ही खेत हैं. बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, आप देख सो ये पूरा व्यू आता है हमारी छत की बैक साइड से है ये. इधर हम क्रिकेट भी खेलते थे, जो एक क्रिकेट का आपने व्लॉग देखा होगा वो हमने इस वाले खेत में खेला था पिछले अक्टूबर में. और यहाँ से हमारी सीढ़ी है, बाकी उधर घर हैं उधर की नहीं बनाऊँगा. तो आज है हमारा डे थर्ड इन विलेज. तो आज कुछ काम तो है नहीं, थ्रेशर कल हो गया था और हमारा सारा काम निमट गया था. ये प्रोसेस भी कुर्बानी की तरह होता है. बेसिकली आप जानवर खरीदते हैं, जानवर को पालते हैं और फिर टाइम आने पर ज़िबा कर देते हैं. वैसे ही आप फसल तैयार करते हो, उसमें पैसा लगाते हो और फिर जब तैयार हो जाता है फिर आप खाते हो बेचते हो और उससे बेसिकली फ़ायदा होता है, इसीलिए तो उगाते हैं वो. आप खुद भी खा सकते हो, आप उसको बेच भी सकते हो. तो आज हमारा कुछ ख़ास मसरूफियात है नहीं, लेकिन निकल आती है कोई ना कोई मसरूफियात. तो अभी रफीउल्ला से पूछते हैं आज कोई मसरूफियात है हमारी? नहीं. क्या करें आज हम? क्या करें, फारिग बैठे हुए ना. मूवी दिखाओ, मूवी मूवी फिल्म. आप कौन सी देखोगे? कौन सी दिखाऊं? जो आपका दिल कर, आपकी जो फेवरेट है वो दिखाओ, पसंदीदा. केजीएफ. केजीएफ देखी हुई है मैंने, केजीएफ मैंने देखी हुई है. ये है हमारे घर का व्यू छत से, माशाल्लाह दरख्त की वजह से. बहुत दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से. पहले दरख्त नहीं होते थे, हम चढ़ते थे तो पूरा यहाँ से गांव दिखता था, लेकिन अब इस दरख्त की वजह से इतना नहीं दिखता, जो कि अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदा है. कौन सा हम घर चढ़ते हैं? क्या ये दिखाऊँ? हाँ ये दिखाया था मैंने, लेकिन फिर भी एक और बार दिखा देता हूँ. खूबसूरती चेक करो यार. ये हमारी छत है और ये नीचे वाला साइड है और हम इधर बैठे हुए हैं नीचे. बेसिकली जो कल हमने थ्रेशर लगवाई थी ये हम अपने यूज़ के लिए, जो अनाज है ये सूख रहा है, इसको धो के रखा हुआ है हमने. फिर इसको पिसवाएंगे चक्की से और रफीउल्ला के साथ जाके पिसवाएंगे ना, को हम खाएंगे अपने डेली यूज़ के लिए. अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाए, आप छत पर बैठे हुए हो और सीढ़ियों से आप ना जाना चाहें, तो एक नया तरीका निकाला इन साहब ने, ये वाला. वैसे टू बी ऑनेस्ट ये मजाक है, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा. इससे आपकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका सर भी फट सकता है, नीचे कुछ ऐसी चीज़ हो या अचानक से आगे से कोई बंदा आ रहा है उसके ऊपर गिर जाओ तो दो बंदों का नुकसान है. तो रिकमेंड नहीं करूँगा. वैसे इमरजेंसी सिचुएशन में लोग ये करते भी हैं और वैसे इतनी गहराई है भी नहीं है. तो अभी रफीउल्ला आप क्या कर रहे हो मिट्टी को? ऐसे तो मैं बताता हूँ आपको, हम गारा बना रहे हैं. गारा क्या होता है? इट्स टाइप ऑफ सीमेंट जो मिट्टी से बनता है. इस मिट्टी को पानी में हल करके गारा बनेगा, फिर वो सीमेंट का काम देता है. आपको दिखाते हैं बाकी क्या होता है. थोड़ा ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ले. हो गया गारा कैसे बनता है, रफीउल्ला साहब बना रहे थे. ये इनके देखिए पांव, देखिए इसमें पानी वानी डाल के फुल, देखिए सीमेंट लग रहा होगा आपको. गौर से अभी वो अंदर गया है और पानी डालने, अभी अंदर और पानी डालने गया है. पूरा देसी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिल रहा है अभी. बस बस बहुत हो गया, अभी चलते हैं. ये जहाँ से लाएगा अभी ये इसमें डालेगा. आज है डे थर्ड और डे थर्ड में तीसरे दिन पे हमारे टमाटरों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है
चेंज लग रहा है, थोड़ा सा बड़े हुए हैं। देखते हैं ये रेड कब तक होंगे। अभी ये वाइट, थोड़े ग्रीन और वाइट इनका कलर आ रहा है, ग्रीनिश वाइट। बाकी और कुछ भी है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये हमारे टमाटर हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये इमली का दरख्त है और इसके जो पत्ते हैं वो हमारे, जब भी हम आते हैं तो ये बच्चे तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, उनको खट्टे लगते हैं और मैं करना भी नहीं चाहता टेस्ट, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें से इंसान एडिक्टिव हो जाता है। अभी ये हमने यहाँ पर चारपाई पर और थोड़ा सा नीचे अनाज के दाने हैं, ये इनको रखा है, इनको धो कर रखा है, क्योंकि बहुत ही मट्टी होती है इसमें और पत्थरियाँ होती हैं और भी बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम मशीन में नहीं डाल सकते। अभी ये देखिए, आपको शायद पता चल रहा हो, थोड़ा गीला गीला है, मॉइस्चर है इसमें। करीब से दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए। तो अभी थोड़ा सा गीला है, इसको सुखाएंगे हम, और फिर जब सूख जाएगा फिर हम इसको आटे की चक्की पर छोड़ के आएंगे, फिर इसकी रोटी बनाएंगे। हम विलेजर्स बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। ये अभी खुदाई कर रहा है, देखिए। ये क्यों कर रहे हो आप खुदाई, बताओ यार। वैसे ये बोलता नहीं है कुछ, खैर कैमरा शाय है। ये अभी कर रहा है क्योंकि यहाँ से जो पानी आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है हम इनोवेटिव हैं, बोलने का मकसद ये है कि यहाँ से देखिए जो भी पानी आएगा वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से एक पानी तो इधर जा रहा है इन पौधों में, सही है। यहाँ पे दरख्त, ये लंबा, इसी की बदौलत है, मतलब गंदे पानी को भी हम सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि पानी बचाना एक अच्छी आदत है। इस्लाम में भी पानी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया है। तो अभी ये जो पानी है ये जाएगा इधर, उसके लिए ये वे बना रहे ताकि इधर पानी आ सके और फिर इधर आगे भी जा सके, क्योंकि हमने पूरा यहाँ पे पौधे वौधे लगाए हुए, ये पूरे दरख्त इन्हीं की बदौलत हैं, इस पानी की ही बदौलत है। और पौधों का शौक़ ज़्यादा हसीब को है, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा अनाज पड़ा हुआ है, गंदम जो मैंने बोला, बाकी स्टोर किया हुआ है हमने, तो ये अभी तक यहीं पर ही है। और इसे कहते हैं हलाल स्टोर करना, जैसे जो दुकानदार करते हैं वो तो खैर सही नहीं होता, ये हमारा अपना है तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, अभी देखिए कितना गंदगी नज़र आ रही होगी, मट्टी। अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा हाथ डालता हूँ इसमें, अभी मेरा हाथ थोड़ी देर में ही मट्टी हो जाएगी, ये देखिए मट्टी हो गया ना हाथ, और वहाँ पे बिल्कुल ही साफ़ है, तो इसीलिए धोना ज़रूरी है पूरा। ये जो धोने वगैरह का काम होता है, ये घर की खवातीन का काम होता है।